झांसी में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष महेश कश्यप ने कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल रैली निकालकर समाजवादी पार्टी का आह्वान पत्र बांटा। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार की विफलता और समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों के बारे में जनता को बताया। सपा के जिलाध्यक्ष महेश कश्यप ने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को सरकार की विफलताओं के बारे में बताएंगे। वहीं सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पूरे तरीके से किसान और गरीब विरोधी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर उनके द्वारा एक जो संदेश है आह्वान पत्र सेक्टर प्रभारी से लेके बूथ अध्यक्ष तक उसको पहुंचाने के लिए कम से कम एक सेक्टर प्रभारी पास साइकिलों के साथ में बूथ अध्यक्ष तक जाएगा और निश्चित रूप से वो गांव में भी जाएगा और वो आह्वान पत्र दिया जा रहा है कि लोग उसको पढ़ें। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज देखिए डीजल की क्या स्थिति है, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा जब पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया और डीजल का उपयोग कहाँ है, केवल किसान, अधिक से अधिक किसान उपयोग करते हैं और किसानों पे ये बड़ी मार है और वहीं ट्रांसपोर्टेशन पे भी बड़ा खर्चा है। तो जो किसान विरोधी और महिला विरोधी और नौजवान विरोधी ये जो सरकार है इसकी विफलताएं हम लोगों के पास पहुँचाने के लिए कम से कम 5 साइकिलों के साथ में लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे और ये आह्वान पत्र उनको सौंपेंगे। अंबेडकर चौराहे से हम लोगों ने बाज़ार में चालू की है साइकिल चलाकर और आने वाले समय में, चूँकि ये विधानसभा का हमारा विधानसभा का मुख्यालय है तो यहाँ से ये यात्रा प्रारंभ है। अब आगे हमारे जो सेक्टरों के प्रभारी हैं वो निश्चित रूप से बूथ अध्यक्षों तक ये आह्वान पत्र लेकर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को जहाँ एक आप उजागर करेंगे वहीं दूसरी तब समाजवादी पार्टी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए थे 2012 से लेकर 17 के बीच में उन मुद्दों को भी हम जनता के बीच में रखेंगे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में लोगों का मन है विकल्प समाजवादी पार्टी है। तो 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।